तो पूजा तो आप कर ही रही होंगी, अब पूजा किस तरीके से करनी है, किस राशि की आप हैं, उस लिहाज से पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, राशि से चतुर्थ में होने से मांगलिक प्रभाव भी वो दिखा रहे हैं और मंगल और गुरु जैसे कहा गया वैसे ही एक किस्म से मांगल्य के ग्रह हैं किसी भी स्त्री में, किसी भी स्त्री के लिए, विशेष करके जिन कन्याओं का विवाह भी नहीं हुआ इस वर्ष में उनके लिए अत्यधिक शुभ है कि आज गौरी पूजन करें, मंगल के लिए दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। भगवान कृष्ण जो हैं सभी दशावतारों में अत्यधिक शुभ ग्रह देव हैं और करवा चौथ के दिन चंद्र उच्च हुआ करते हैं, इनसे जुड़े हुए इनके मंत्र हैं जैसे ओम नमः भक्ते वासुदेव देवाय इत्यादि, इनका जाप कर सकते हैं। परंतु करवा चौथ के स्वामी जो देव हैं वो गणेश हैं, क्योंकि चंद्र रूपी गणेश जो हैं उन्हीं का पूजन करवा चौथ के दिन किया जाता है, उनका जो है मंत्रों का जाप जैसे ओम वक्रतुंडाय हूं उसका करने से भी आपको अपने पति की सुरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए इन पूजनों से, यानी गायत्री दुर्गा और गणेश और कृष्ण, इस राशि के लिए सभी का पूजन करने से आपको लाभ रहेगा। और पूजा जो है कम से कम हर मंत्र की माला तीन या पांच माला करें, या पांच बार करें। वृषभ राशि पर असर और उपाय। इस राशि में पंचम भाव में शनि जो है आपके और आपके पति के बीच में थोड़ी सी दूरी पैदा कर रहा है, जब से राशि शनि में आए, शनि राशि में आए 9 सितंबर से थोड़ा सा आपस में विच्छेद लग रहा है, थोड़ी सी दूरी लग रही है। और इसका एक कारण और भी है कि मंगल ग्रह जो है जो नीचे इस राशि में पति का स्वामी है, ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पूजा के समय में शनि और मंगल के लिए दुर्गा के निवारण मंत्र या रात्रि सूक्तम और देवी सूक्तम का पूजन कर सकते हैं। रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम, हर एक सूक्तम के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, लाभकारी रहेगा, इसको कर सकते हैं। गणेश पूजन इस राशि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी रहेगा, गणेश के 10 मंत्र हैं, 10ों का आप जाप कर सकते हैं और जब आप उसका अर्ध्य देंगे तो गणेश के किसी भी मंत्र का 21 बार जाप जरूर दें, जाप करें, जैसे ओम वक्रतुंडाय हूं अर्ध देने के उपरांत या उसी के दौरान 21 बार उसका जाप करें तो लाभ रहेगा। मिथुन राशि, पति से जुड़ा हुआ ग्रह इस राशि में जो है दिसंबर माह तक नीच चल रहा है और मंगल भी नीच है राशि से द्वितीय भाव में, इस प्रकार परिवार में कलह, मंगल की दृष्टि जिस प्रकार गुरु पर पड़ रही है, पति के कार्य क्षेत्र की बात करें, पति के धन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उसके तरक्की की बात करें, स्वास्थ्य हर प्रकार से पति की सुरक्षा के लिए ग्रह स्थिति थोड़ी सी विपरीत होने के कारण लक्ष्मी एवं दुर्गा के मंत्रों का जाप तथा गायत्री मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी मंत्र जो है वो अलग होते हैं, दुर्गा अलग होते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जैसे ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सिर्फ 3 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, इसको करने से आपको लाभ रह सकता है और गायत्री मंत्र जैसे सभी को मालूम है कर सकते हैं।